राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र और हमारा आज का विषय है ज्योतिष के माध्यम से, जन्म पत्रिका के माध्यम से, आपकी कुंडली के माध्यम से प्रेम विवाह के योग के बारे में चर्चा करना। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अगर कोई प्रेमी ये चाहता है कि मेरी शादी अपनी प्रेमिका से हो, या कोई प्रेमिका ये चाहती है कि मेरी शादी मेरे प्रेमी से ही होना चाहिए, या आप मनचाही शादी करना चाहते हैं, इच्छित शादी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। बहुत ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में हस्तरेखा के माध्यम से उन संकेतों को बताया है कि जिसके माध्यम से आप अपने हाथों को देख करके आप स्वयं ये पता लगा पाएँ कि आपके जीवन में प्रेम विवाह है कि नहीं। और हम इस वीडियो में ज्योतिष के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, आपकी कुंडली के माध्यम से, आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। और आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, या आप इच्छित शादी करना चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही हो, या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही हो, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आप जहाँ पे हैं वहीं बैठे हमारे माध्यम से करवा सकते हैं। आपके जन्म पत्री में, आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि पांचवा भाव या इसका स्वामी ग्रह, यदि पांचवा भाव या इसका स्वामी ग्रह किसी भी प्रकार से लग्न अथवा सातवें भाव से संबंधित होता हो, तो प्रेम विवाह होता ही है, चाहे उसकी दृष्टि पड़े या उस घर में स्थित हो। इसके लिए भली भांति आपको अपने कुंडली का, अपने जन्म पत्रिका का अवलोकन करना चाहिए। प्रेम विवाह होने के लिए दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, आपकी कुंडली में आपकी जन्म पत्रिका को देख करके इसको भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि सातवां भाव या सातवें भाव का स्वामी ग्रह, यदि सातवां भाव या सातवें भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से लग्न, आपके लग्न कुंडली का जो प्रथम भाव होता है उस पर, कुंडली के पांचवें भाव पर और कुंडली के ग्यारहवें भाव पर, यदि सातवें भाव या सातवें भाव का स्वामी ग्रह किसी प्रकार से लग्न, पांचवा भाव और ग्यारहवें भाव से संबंधित हो जाए, तो प्रेम विवाह होता ही है, हो ही जाता है। यदि इस स्थिति पर किसी ग्रह का कुप्रभाव न पड़ता हो तो, यह दो नियम मैंने बताए हैं आपके ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, जन्म पत्रिका के माध्यम से। भली भात आप अपने जन्म पत्रिका को, अपने कुंडली को अवलोकन करके आप स्वयं ये पता लगा सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा योग बना है, प्रेम विवाह का योग बना है कि नहीं। आगे अन्य आने वाले वीडियो में हम इस पर और प्रकाश डालेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई समस्या, कोई दुविधा या कुछ अन्य जानने की जिज्ञासा हो, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं, या आप अपने घर बैठे अपने कुंडली का अवलोकन हमसे करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं, तो आप अपने घर बैठे अपने जन्म पत्रिका, लाल किताब के माध्यम से, वैदिक कुंडली के माध्यम से, अंक ज्योतिष कुंडली के माध्यम से, स्वर्ण किताब कुंडली के माध्यम से, वास्तु कुंडली के माध्यम से, मैं आपकी जन्म पत्रिका को देख करके मैं बताऊँगा। इसके लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले करके आप हमसे ऑनलाइन अपने कुंडली का अवलोकन करवा सकते हैं। और यदि आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई भी समस्या क्यों न हो, कोई भी बाधा क्यों न हो, यदि आप अपने घर बैठे हमसे अपने जन्म पत्री, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या ऑनलाइन या फ़ोन कॉल के माध्यम से, मोबाइल कॉल के माध्यम से आप अपनी कुंडली का अवलोकन हमसे करवा सकते हैं। आप अपने घर बैठे लाल किताब, वैदिक कुंडली, स्वर्ण किताब कुंडली,
अंक ज्योतिष कुंडली के माध्यम से आप अपना समाधान भी करवा सकते हैं। और यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या हो, कोई मानसिक समस्या हो या कोई शारीरिक समस्या हो, तो भी आप अपने घर बैठे हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि विवाह से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी की भी क्यों ना हो, आपकी हो, आपके अपनों की हो, आपके पास पड़ोस की हो, आपके रिश्तेदार की हो, तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। समस्त प्रकार की बाधाएं जो विवाह से जुड़ी हैं, उसका समाधान आप हमसे करवाने के लिए अपने तुरंत का खींचा हुआ फ़ोटो, फुल साइज का फ़ोटो, अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल और अपने हाथों का फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपकी एनर्जी को रीड करके आवश्यकता अनुसार तंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से पूरा समाधान किया जाएगा। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, टेलीपैथी त्राटक, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।